it's never too late to let it out. So go and share. तुम्हें पता चल जाता है, you are not you. Whatever is like you are feeling, it's not you. Hello guys, this is Avanti. Today I'm going to share my postpartum depression story. अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे हैं तो this is kind of continuation to that video. Stay tuned. Happy ending है. बच्चा जब deliver हुआ, we were just adoring. हम रियांश कैसे देख रहे थे. थोड़ी ही देर में मेरे डॉक्टर ने हमको बताया, like after 5 minutes, डॉक्टर ने हमको बताया कि your baby is all fine, but I don't see holes in his ears. That time we were like everything got so still. ऐसा फील आया था मुझे, सब कुछ एकदम से शांत हो गया है. लाइक देयर वर नो नॉइसेस, लिटरली ऐसा ही फील हो रहा था. सो दिस इज द कंडीशन विच इज कॉल्ड माइक्रोशिया, वेयर बेबीज आर बॉर्न विद दिस स्मॉल ईयर्स और उसमें होल्स नहीं होते. वो बायोलैटरल भी हो सकता है, यूनिलैटरल भी हो सकता है. उस टाइम हमें ये सब कुछ भी नहीं पता था, इवन डॉक्टर को भी कुछ भी नहीं पता था. तो डॉक्टर मुझे बोली कि मैं भी ये पहली बार ही देख रही हूँ. सो आई वॉज लाइक वॉट, क्या बोल रही है. मेरे को ऐसा ऐसा फीलिंग आ रहा था यार, क्या बोल रही है यार ये बच्चे के बारे में. मैंने तो उसके कान नोटिस भी नहीं किए थे तब तक, मैं तो बस उसको फेस ही देख रही थी, कान पे तो ध्यान भी नहीं गया था. सब कुछ एकदम से बहुत स्टिल हो गया, जबकि वो लोग मेरे स्टिचेस कर रहे थे तब तक और सब कुछ सब काम कर रहे थे, उधर नर्स वगैरह. और मुझे याद है मैं तो एकदम मतलब मुझे तो कुछ आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी तब, मैं ऐसे शांत हो गई थी. तो बेबी को मॉनिटर करने के लिए फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स उसको चिल्ड्रन वार्ड में रखा था. हमें ना ऐसा बहुत हेल्पलेस फील हो रहा था, जैसे लग रहा था ये सपना है, ये सपना जल्दी खत्म होने वाला है, मैं अब जागने वाली हूँ. मुझे फीड कराने जाना रहता था एवरी 3 आवर्स टू चिल्ड्रन वार्ड. आई रिमेम्बर मैं उसको बस ऐसे देख रही थी एंड आई वाज सर्चिंग हिज हेड कि कहीं होल है क्या. मतलब मैं उसके ईयर भी ऐसे बहुत ऐसे 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 करके देख रही थी कि उसको एटलीस्ट सुनाई दे, कोई एक कान से तो सुनाई दे, एटलीस्ट कुछ तो होगा. फिर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं. उसके बाद हमें बस ये टेंशन था कि हमारा बच्चा कभी सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा. बेसिकली हम शॉक में चले गए थे, मी एंड माय हस्बैंड बोथ. हम एक दूसरे से भी बात नहीं कर रहे थे. फिर 3 दिन बाद हम घर आए, हमें डिस्चार्ज किया हॉस्पिटल से. बट उस टाइम भी मुझे घर नहीं आना था क्योंकि मुझे ना ऐसा बहुत एम्प्टी सा फील होने लगा. मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अभी खत्म होने वाला है, बिकॉज दिस इज नॉट माई लाइफ, दिस इज नॉट द रियलिटी. उसके बाद फिर टाइम निकल गया, 1 महीना हो गया. और ना क्या होता है ना कि डिलीवरी के बाद ना वो हार्मोन ना बहुत कबाड़ा कर देते हैं लड़की की लाइफ में, और तुम्हें दर्द होते रहता है. दर्द होता है डिलीवरी के बाद भी, दर्द होता है, दैट्स ट्रू. और वो दर्द कैसा होता है, तुम्हें बहुत खतरनाक क्रैम्प्स आते हैं बिकॉज योर यूट्रस इज नाउ श्रिंकिंग. तो जितना श्रिंक होता है और तुम जब फीड कराते हो ना बेबी को, तब तक वो यूट्रस श्रिंक होता है क्योंकि उसी टाइम वो ऑक्सीटोसिन कौन सा तो होता है वो रिलीज होता है, जो कि हेल्प करता है यूट्रस को श्रिंक करने में. और वो हैप्पी हार्मोन होते हैं, पर वो हैप्पी हार्मोन ही वो उसको श्रिंक करने में हेल्प करता है यूट्रस को. तो तुम्हें दर्द भी बहुत होता है और न्यू होता है, ब्रेस्ट फीडिंग आती नहीं है, जमती नहीं है, और ये सब तो स्ट्रगल करती रहती है मदर. और मुझे तो और एकदम ऐसे गिल्ट आने लगा था कि यार शायद मेरी प्रेगनेंसी में मैंने कुछ गड़बड़ किया है, इसलिए मेरे बच्चे का ऐसा हो गया. तो मुझे खुद पे ही ब्लेम आने लगा था हर चीज के लिए. उसके बाद 1 महीना हो गया, तब तक मुझे पता नहीं चला कि ही कैन हियर और नॉट. ये कोरोना के कारण हमारे अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिल पा रहे थे. 2 महीने हो गए तब तक हमें पता नहीं चला. उसका बीच में एक टेस्ट हुआ था पर उसमें कोई रिजल्ट आया नहीं, तो उससे तो यही पता चला कि ही कैन नॉट हियर. खूब सारे टेस्ट हुए तब पता चला ओके ही कैन हियर समथिंग, तब मुझे बहुत अच्छा लगा. दैट वाज लाइक अ बेस्ट डे एवर. नाउ आई नीड टू वर्क ऑन हिज स्पीच. अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, मेरे बच्चे को बोलना आना चाहिए. तो उसका फिर 4th month में तुरंत हियरिंग एड लग गया एंड वी वर सो हैप्पी. बट जो स्ट्रगल होता है ना, मतलब स्ट्रगल एक जो मदर का स्ट्रगल होता है, तुम्हें बच्चा फीड कराना है, तुम्हें खुद का देखना है, तुम्हारे ब्लीडिंग हो रहा है, पेन्स हो रहे हैं, तुम्हें स्टिचेस आए होते हैं, सब कुछ स्टिचेस आए हुए होते हैं डिलीवरी के टाइम. मेरे स्टिचेस हील नहीं हुए थे तो मेरे साथ ये भी इशू था कि मेरे स्टिचेस हील ही नहीं हो रहे थे, उसमें ब्लीडिंग होती रहती थी. डिप्रेशन का ऐसा है ना कि तुम्हें बस हमेशा पूरे टाइम ऐसा सैड लोनली एकदम लो फील होते रहता है पूरे टाइम. मैं अभी इसको डिप्रेशन कह रही हूँ पर मुझे तो उस टाइम पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है. और ना एक्चुअली दिस इज सो नॉर्मल, पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज वेरी नॉर्मल. मोर देन 50% मदर्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है. बट लाइक दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, नो बडी टॉक्स अबाउट इट. अगर तुम बातें करोगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में तो जो जिसको है उसके लिए सब कुछ थोड़ा ईजी हो जाता है. इंडिया में अगर तुम बोलो ना कि डिप्रेशन है तो दे विल ट्रीट यू लाइक उनको कैसे डिप्रेशन हो सकता है. मतलब तुम्हारे पास तो सब कुछ है, लाइफ में तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुमको कैसे डिप्रेशन हो सकता है. मे बी इस जनरेशन में एवरीवन इज सो यू नो सबको पता है, एवरीवन इज सो अवेयर, बट डिप्रेशन इज नॉट लाइक किसी को देख के आएगा. जैसे कोरोना वायरस है ना, सबको हो सकता है. डिप्रेशन भी सबको हो सकता है. इट्स ऑल इन माइंड थिंग है, वो माइंड डिसीज. सो व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज आई थिंक आई कैन हेल्प समवन. दिस वीडियो माइट हेल्प यू बिकॉज आई नो व्हाट आर यू फीलिंग एग्जैक्टली. आई विल टेल यू लाइक हाउ आई गॉट टू नो दैट I am in depression.
तो मुझे जो ये शॉक लगा था ना मेरे बेबी का, दिस वॉज काइंड ऑफ ट्रिगर. मेरा एक अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ फॉर माई जो स्टिचेस जो मेरे हील नहीं हो रहे थे उसके लिए. तो देर वॉज अ सिंपल प्रोसीजर, उसमें वो कुछ स्किन कट करने वाले थे और उसमें कुछ पेन नहीं होता है, इट्स लाइक अ नॉर्मल बेसिक प्रोसीजर. मैं अकेले गई थी वो अपॉइंटमेंट के लिए. जब मैं वहां गई और जब वो उसने ऐसा कट वट मारा तो मुझे दर्द हुआ, हल्का सा ही दर्द था, और आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग देयर. मैं इतनी जोर से रोने लगी, इतना मतलब ऐसे रोने लगी कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है लिटरली. तो डॉक्टर मुझे बोले कि दर्द हो रहा है, इट्स ओके, तुम थोड़ा पानी पी लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा. मैंने पानी वानी पिया एंड आई वॉज स्टिल क्राइंग देयर. तो मैंने बोला कि आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विथ मी. तो उसने बोला कि यू कैन गो टू साइकाइट्रिस्ट, उसने मुझे डायरेक्टली ऐसा बोला. तो फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें ऐसे थॉट्स आते हैं क्या, सुसाइडल थॉट्स? मैंने बोला इतने एक्सट्रीम तो नहीं आते. शी वॉज लाइक, तुम कल ही अपॉइंटमेंट ले लो साइकाइट्रिस्ट का एंड जाके उससे बात करो, एंड डोंट वरी, पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज वेरी नॉर्मल. आई केम होम एंड माई हस्बैंड ओपन द डोर एंड आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक वेरी लाउड. सो ही वॉज लाइक, क्या हो गया बंदी तेरे को, आर यू ओके, और ऐसा वैसा. मतलब और ना हम क्या होता है ना कि वो लेडी के साथ ऐसा हो जाता है, मदर के साथ, कि तुम इतना बिजी हो जाते हो तुम्हारी न्यू लाइफ में विद बेबी एंड एवरीथिंग, यू डोंट गेट दैट टाइम विद योर हस्बैंड टू शेयर एनीथिंग. तो वो टाइम भी हमें नहीं मिल रहा था. आई स्टार्टेड टेलिंग हिम एवरीथिंग, छोटी छोटी चीज कि तुम सुबह नहीं उठते, मुझे सुबह उठना पड़ता है बेबी के लिए, मुझे पसंद नहीं. तो ही वॉज लाइक ओके आई विल वेक अप, तू सोते रहे. मैं बोली मुझे नींद नहीं होती मेरी, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे हमेशा सैड फील होता है. मतलब मुझे जो भी थॉट्स आते थे ना, आई शेयर्ड एवरीथिंग विद माई हस्बैंड. व्हेन आई यू नो शेयर्ड, आई फेल्ट सो रिलैक्स्ड. आई रिमेम्बर मुझे ना ब्रीदिंग इश्यूज भी होने लगे थे, एंग्जाइटी इश्यूज वो भी होने लगे थे मुझे. मुझे ऐसा लगता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डिप्रेशन इज टू accept that you have something problem, you have some issues, accept it that you need help. तुम ही मांग सकते हो तुम्हारे लिए help, तो तुम्हें ही बोलना पड़ेगा. सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि you are not happy or you are really sad, क्योंकि तुम सामने से तो हंस रहे हो. सामने वाला कोई अंतर्यामी बाबा तो नहीं है ना. एंड इट्स ओके टू से, अगर तुम अपने फैमिली मेंबर्स से नहीं बोल पा रहे, अपने फ्रेंड से नहीं बोल पा रहे, तो तुम कोई स्ट्रेंजर को पकड़ लो, उसको जाके सब कुछ बोल डालो यार. कोई चीज तुम शेयर करते हो किसी के साथ तो तुम्हें रियलाइज होता है कि हाँ, मतलब मैं तो ऐसा सोच रही थी बट आई थिंक ऐसा नहीं है. जब सामने वाला अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है ना, तब तुम्हें थोड़ा लगता है कि ऐसा तो नहीं था बट मैं ऐसा क्यों सोच रही थी. मैं बस अपना एक्सपीरियंस ही आपको बता सकती हूँ. आई थॉट ओके, अभी मुझे अपने आप को ठीक करना है. सो लाइफ से ऐसा टच नहीं था, सो लॉस्ट फील होता था पूरे टाइम. देन आई डिसाइडेड आई नीड हेल्प. मेरे एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी इज अ हीलर, रेकी. मैं ये सब चीज में थोड़ा बिलीव करती हूँ. तो डॉक्टर ने मुझे साइकेट्रिस्ट जाने बोला, बट जिस चीज से तुम्हें थोड़ी पॉजिटिविटी मिलती है तुम वो कर लो पहले. तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं रेकी सेशन लेके आती हूँ. एंड रेकी इज लाइक अ बिग काइंड ऑफ मेडिटेशन, जिसमें एनर्जी के थ्रू तुम्हारे जो एनर्जी रहती है वो बैलेंस करते हैं. तो यू फील वेरी गुड. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग. मे बी आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन रेकी, व्हाट इज रेकी, बट आई एम नॉट अ बिग ज्ञानी नहीं हूँ मैं रेकी के ऊपर. मुझे अच्छा लगता है रेकी करवाना, मुझे अच्छा फील होता है. एक हफ्ते बाद भी मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया उसके थ्रू. वो एक वीक जो था, एक हफ्ता, मैं ऑलरेडी इतना बेटर फील कर रही थी पता है क्या, क्योंकि मुझे पता था कि अभी तो इस हफ्ते तो मैं हील होने वाली हूँ. मेरे थॉट्स ही मुझे हील कर रहे थे ऑलरेडी. फिर मैंने हीलिंग हुआ, नेक्स्ट डे आई वाज सो एनर्जाइज्ड. आई रिमेम्बर नेक्स्ट डे की सुबह, नॉर्मली मुझे मॉर्निंग में उठने का मन ही नहीं करता था, मुझे लगता है मैं पूरे टाइम सोती रहूं. आफ्टर रेकी सेशन द नेक्स्ट डे आई फेल्ट सो रिलैक्स्ड, सो मोटिवेटेड. मतलब मुझे याद है कि उस दिन की सुबह मेरी बेस्ट सुबह थी यार. ऐसे मैंने देखा बाहर, कुछ चेंज नहीं हुआ था. हवा वही है, धूप वही है, सामने के पेड़ वही हैं, बट वो पेड़ देख के मुझे अच्छा लग रहा है, वो हवा फील करके मुझे अच्छा लग रहा है, वो धूप अच्छी लग रही है. मतलब यू सी द चेंज यू हाउ योर माइंड कैन प्ले. मतलब वो माइंड ही तुम्हें ऑपरेट कर रहा है एंड ही इज लाइक, माइंड इज ओनली टेलिंग यू कि अभी तो सब कुछ अच्छा हो गया है. एंड द बेबी, मतलब रियाज के साथ आई कुड फील माई बॉन्ड. आई वॉज सो कनेक्टेड. ममता जो जागती है ना बच्चे के ऊपर, मतलब वो जो बॉन्ड था वो ऐसा स्ट्रांग फील होने लगा. मैं उसका ध्यान अब अच्छे से रख पा रही थी, मैं खुद का ध्यान अच्छे से रख पा रही थी. आई स्टार्टेड डूइंग यू नो सेल्फ केयर, सेल्फ लव. मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया. आई स्टार्टेड डूइंग प्रॉपर डाइट. आई स्टार्टेड ईटिंग वेल, लाइक हेल्दी फूड. मैंने ट्रिप्स प्लान करना शुरू किया. मतलब जो मैंने सोच के रखा था ना पहले, जो मैं नहीं कर रही थी क्योंकि आई वॉज इन डिप्रेशन, मेरा माइंड कहीं और चलता ही नहीं था. मैंने वो सब करना शुरू कर दिया. सी ऐसे कैसे चेंज होते जा रहा था, क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती थी वो मैं करने लगी और मेरा मन करता था आजकल वो चीज़ करने का. मेरा एक एडवाइस है आप सबके लिए कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना, शेयर कर लो, किसी के भी साथ शेयर कर लो यार, तुरंत अभी जाके अभी जाओ, अभी बोल के आओ कि मुझे तो प्रॉब्लम है, मुझसे बात कर लो. मतलब इसके रिजल्ट क्या हुए, जब मैं डिप्रेशन से निकल गई ना, मुझे ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आने लगे.
आई स्टार्टेड शूटिंग मोर, आई स्टार्टेड लूजिंग वेट मोर. क्यों? क्योंकि आई वॉज यू नो वर्किंग ऑन माई सेल्फ, सो आई वॉज लविंग माई सेल्फ. उसके पहले मुझे ऐसा कुछ अपने लिए भी फील नहीं होता था, बस ऐसा लगता बच्चे का करो, पति का कर दो, घर का कर दो, हो गया. बस खुद के लिए क्या किया, खुद के लिए टाइम भी निकालना पड़ता है ना, यू नीड दैट टाइम. जब तुम खुश रहोगे ना तो तुम्हारे आजू बाजू के सब खुश रहते हैं, फिर उसके बाद से सब कुछ अच्छा हो गया. ऐसा नहीं हो कि सिचुएशन चेंज हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि मेरे अपॉइंटमेंट्स कम हो गए बेबी के. एवरी वीक आई हैव 2-3 अपॉइंटमेंट्स फॉर माई बेबी. एंड ऐसे भी नहीं हुआ कि काम कम हो गया, बट आई वॉज डूइंग एवरीथिंग डेडिकेशन के साथ मैं हर चीज करने लगी. और फिर मुझे मेरे लिए भी टाइम मिलने लगा और सब कुछ मैनेज होने लगा इजीली. पहले जो मुझे बहुत बड़े टास्क लगते थे, मेरी एंजाइटी भी खत्म हो गई, मतलब नॉर्मल सांस आने लगी. ऐसा नहीं होता कि सांस नहीं आ रही है. फिर हमने वेकेशन गए एंड मी एंड माय हस्बैंड वी आर बोथ नेचर लवर्स, तो फिर कैंपिंग वगैरह जाना शुरू किया. सो यू नो दीज वर ऑल द पॉजिटिव वाइब्स आई वॉज गेटिंग लाइक एवरी टाइम. ऐसे ऐसे फिर मेरे थॉट्स भी चेंज होते गए, मुझे अच्छा लगने लगा. फाइनली अपने डिप्रेशन से मैं निकल पाई. दिस वाज ऑल माय होल पोस्टपार्टम डिप्रेशन स्टोरी. आई थिंक दिस विल हेल्प समवन एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. अगर आपको लगता है कि कोई आपके आसपास है जिनको जरूरत है ऐसे वीडियो की, प्लीज शेयर माई वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.